और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। युवराज बेटा, युवराज युवराज, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तुझे इस जेल में नहीं रहने दूंगी, तुझे यहां से बहुत जल्द बाहर निकालूंगी। नहीं मामा, मेरे मेरे गुनाहों के लिए यह भी सजा बहुत कम है। मेरी मदद करके मेरे गुनाहों के बोझ को और मत बढ़ाओ मामा। मुझे खुशी है कि आप मुझे यहां मिलने आए, मैं तो भूल ही गया था ये मेरा कोई परिवार है। ये तो क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है? अरे गलतियां तो इंसानों से ही होती है, और तूने थोड़ी ना तेरे बापूजी को मारा, मारा तो उस पवित्रा ने, असली गुनेगार तो वो पवित्रा है। हाँ मामा, लेकिन उसका मददगार तो मैं ही था ना। मामा आपने मुझे माफ कर दिया है, इसलिए आप मुझसे मिलने आई हैं। लेकिन अभी तक मैंने अपने आप को माफ नहीं किया है। मेरे गुनाहों का बोझ इतना बड़ा है मामा कि मेरी नजरों में उसकी कोई माफी नहीं है। बस कर युवराज, बस कर, भूल जा, भूल जा जो कुछ हुआ, इसके बारे में सोच मत। देख देख बेटा, मैं तेरे लिए तेरे पसंद की चीज लाई हूँ खाने के लिए। हाँ युवराज। नहीं मामा, मेरा ये खाना खाने का कोई हक नहीं बनता। कानून ने मुझे इस काल कोठरी में रहकर रुखा सुखा खाने की सजा दी है। प्लीज मामा, मुझे मेरी सजा भुगतने दीजिए। युवराज, युवराज। मामा आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए आप मेरे गुनाह नहीं देख पा रही, लेकिन मैं पापा का गुनहगार हूं। मैडम, मिलने का टाइम खत्म हुआ, चलिए। एक मिनट। चलिए मैम। युवराज, गूंजी सी है सारी फिजा, जैसे बजती हो शहनाइयां, लहराती है महकी हवा, गुनगुनाती है तन्हाइयां, सब गाते हैं सब ही मदहोश है, हम तुम क्यों खामोश हैं।
हेलो गौरी, आकाश सर ने तुम्हें फौरन अंदर बुलाया है। तभी आती हूँ। सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए जैसा हमारे परिवार ने पिछले कुछ दिनों में देखा है। कितने खुश लग रहे हैं हमारे बच्चे। सावित्री, मेनका नहीं आई? वो भी आती तो मजा आता ना। बा, आजकल मैं देख रही हूँ मेनका भाभी अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती है। हाँ बा, मेरा ये फैसला है कि मैं युवराज को जेल से छुड़वा कर ही रहूंगी। उन्हें समझाना होगा बा। वो पानी दीजिए। क्या बातें कर रहे थे आप लोग छोटी माँ के बारे में? हम लोग यही कह रहे थे कि अगर मेनका बेन आज हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ माँ, सच। अच्छा हुआ सरस्वती ने कुछ भी नहीं सुना। और हाँ, आगे भी उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कमेंट था आपने मुझे बुलाया था। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स का क्या हुआ? सर वो मैंने भेज दिए हैं। तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट की इंपॉर्टेंस तो पता है ना? बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है ये। आई होप तुमने इस बारे में किसी को बताया नहीं होगा। नहीं नहीं, किसी को नहीं बताया। ठीक है, डिक्टेशन लो। ये लेटर हमें स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट को भेजना। ठीक है, लिखो। डियर सर, we are glad as you shown interest in our idea to promote tourism in Gujarat. For that we need to contact many people in the town. Especially we need your support. We need to contact few builders also for that. Tum kya kar rahi ho? Tum likh rahi ho na? हाँ सर, मुझे नहीं लगता आकाश। आई थिंक ये इंग्लिश में अनकंफर्टेबल है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तुम अपनी ये बाल पीछे करो तो ठीक से लिख पाओगी। ये अपने बालों का क्या कर कर आई हो आज? तुम जानती हो ना लेटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे लिखो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सर? वो क्या? वो मैं सर, वो
दरअसल मैंने अपना चश्मा नहीं पहना है, इसीलिए। जब तुम पढ़ नहीं सकती, तुम लिख नहीं सकती चश्मे के बिना, तो चश्मा भूल कर क्यों आई हो? तुम एक काम करो, जाकर बैठो अपनी सीट पर। सब लेकिन ये लेटर, ये काम टीना कर लेगी। कहां से आ गई है? कमार कहेगी। नमस्ते निखिल बेटा, कहां रह गए थे? जी मैं ऑफिस गया था, कुछ जरूरी काम था इसलिए। आओ चलो जल्दी आओ। निखिल, ओ नो, अब क्या होगा? अरे जाओ जाके ले आओ। क्यों, जिसने फेंका वही जाएगा है ना दीदी? ये क्या बात हुई? बस ऐसी बात है, तुमने फेंका है ना, जाओ तुम ले आओ। जाओ निखिल। जाओ। निखिल कहाँ रह गया? दीदी वो जानबूझकर टाइम पास करा है, कि कोई गेम में हारा था ना इसलिए। आप यही रुको, मैं भी आती हूँ। जल्दी आओ। निखिल, निखिल कहाँ हो तुम? डरपोक। छा, डरपोक मैं नहीं तुम हो, तो गेम हारने के डर से यहाँ छुप कर बैठे हो। अब चलो, सब तुम्हारा वेट कर। अरे मैं किसी का वेट कर रहा था, और अब तुम अभी आई हो तो फिर जाने की जल्दी क्या? अच्छा, तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? अगर मेरी जगह कोई और आता तो? तुम्हारी जगह और कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि जब से तुम मेरे पीछे पड़ी हो, मेरे पीछे कोई आता ही नहीं है। क्या कहा तुमने, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ? अभी बताती हूँ कौन किसके पीछे पड़ा है। मैं तुम्हारे पीछे पड़ी, मैं तुम। जानवी, आज का ये गेम और आज का ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि आज इस गेम की वजह से तुम मेरे इतने करीब आ गई हो। और हाँ, मुझे लगता था कि तुम फूल सी हल्की हो, तुम उतनी हल्की भी नहीं हो। अच्छा पर निखिल, जानवी वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं उससे जेल गई थी उसका मनपसंद खाना लेकर, लेकिन वो कहता है कि जेल वाले जिस हाल में उसे रखेंगे वो उस तरह ही रहेगा, वो प्रायश्चित करना चाहता है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की रसिक भाई, लेकिन मेरी बात तो सुनना दूर, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में तो उसको कोई जेल से नहीं निकाल सकता। लोग क्या कर सकते हैं बोलने, उसके लिए एक वकील लगा सकते हैं। वकील भी ज्यादा में ज्यादा क्या करेगा, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट में दलील पेश करेगा, इधर उधर से सबूत इकट्ठा करेगा। लेकिन अगर कोर्ट में जज के सामने एक बार भी युवराज के मुंह से निकला नहीं कि वो कुसूरवार है, गुनेगार है, कातिल है, कुछ पास सब कड़ा भगवान से प्रार्थना कर कि वो उसको सद्बुद्धि देवे। बाकी मैं हूं ना, मैं कोई ना कोई चक्कर जरूर चला लूंगा। बस खाली एक बात मगज में रखना, इस बार बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं कोशिश ना भाई ना
अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहती है ना, तो इस कोशिश को अपनी जिद बना ले। सचवा, आज की पिकनिक तो बड़ी ही अच्छी रही। आप थक गई होंगी ना, आराम कीजिए। सच कहूं बा, आज मैं भी बहुत थक गई हूं। अब ऐसा लगने लगा है कि मैं भी बूढ़ी होने लगी हूं। चलिए आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा, मैं चलती हूं। बहुरानी, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं काका, हम सब खाना खाकर आए हैं। अगर मेनका बेन को खिला दिया होगा तो आप खाना खाइए। पर मेनका बहू तो अब तक आई नहीं है। इतनी रात हो गई है, एक बार जाकर मुझे मेनका बेन को देखना चाहिए। ठाकुर जी, बस सिर्फ आप ही का सहारा है। मैं इसी तरह भूखी प्यासी रहूंगी और आपकी इसी तरह पूजा करती रहूंगी जब तक मेरा युवराज जेल से रिहा नहीं हो जाता। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, मेरे बेटे को रिहा कर दीजिए, वो मर जाएगा। ये पूजा, ये हर छठ व्रत की पूजा है सावित्री बहन। हर माँ अपने बेटे की लंबी उम्र और उसकी सलामती के लिए करती है, और आज मैं अपने बेटे की लंबी उम्र और सलामती के लिए ये पूजा कर रही हूँ। आपको पता है युवराज की जेल में क्या हालत है? इसका मतलब ये है कि आप युवराज से मिलने दोबारा जेल गई थी? हाँ सावित्री बहन, मैं युवराज से मिलने जेल गई थी। मैं जानती हूँ मेनका बहन, युवराज आपका बेटा है, आप बहुत प्यार करती हैं उससे, लेकिन उसके गुनाहों को नहीं भुला सकते ना, ये सही नहीं है। आपको युवराज को भूलना होगा मेनका बहन। सावित्री बहन, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि युवराज एक कातिल है। वो भले ही इस घर में आना चाह रहा हो, लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं मेनका बहन, अब इस घर में युवराज के लिए कोई जगह नहीं है। बस सावित्री बहन बस, क्या आपने इतना ही जाना मेरे युवराज को? आपको पता है वो खुद उस चार दीवारी से बाहर निकलना नहीं चाहता। वो कहता है कि प्राश्चित के लिए पूरी जिंदगी भी सलाखों के पीछे रहेगा तब भी उसके लिए कम है, क्योंकि वो बाहर आकर आप लोगों का सामना नहीं कर पाएगा।
और यही नहीं, उसने दोबारा मुझसे भी मिलने से मना कर दिया है। आपको पता है कि वो कोर्ट में खुद कहेगा जज साहब से कि वो अपने पिता का खूनी है और वो अपने इस जुर्म के लिए अदालत से अपने लिए मौत की सजा मांगेगा।